ज्यादा एनर्जी के साथ, ज्यादा सारी गॉसिप के साथ और ज्यादा सारे सवालों के साथ तो आए लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? नासरा। एशली। शाली। अलेक्जेंडर। वेरी नाइस। कौन सी क्लास? 4B। 1B। 5th। आप क्या करती हैं? मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, स्टाफ नर्स हूँ। चलो जी, मुझे बताएं वो कौन सा जानदार है जिसके 3 दिल होते हैं? 3 दिल होते हैं? दिल ही 3 होते हैं। मंकी का बड़ा सा होता है, दिमाग होता है 2, 3 दिल होते हैं, बड़ा सा होता है। एलिफेंट ही होगा फिर बड़ा सा, था नरम नरम सा होता है। आई थिंक एलिफेंट। नरम नरमीला नरमीला सा होता है, बड़ा भी होता है नरम भी होता है। आई डोंट नो। क्या सुनाएं? Point. This morning is our history test. I pinned my notes inside my vest. Inside my coat, I wrote my notes, including dates and famous quotes. I have written more upon my hand, which only I can understand. And in my socks and sleeve, I stood my notes in scrambled coat. I have written down so many names of winner of Olympics game, of building people places to, from Tanis to Timbuktu. I have even copied down a piece, an ancient Roman and ancient Greece. Plus everything's from Shakespeare plays to whom invented my honors. I came to school so well prepared. I wasn't nervous, wasn't scared. But here it was the history test. I look inside my coat and vest to get the dates and famous quotes, and I find I cannot read my notes. So much of Shakespeare, Greece and Rome, I left my glasses back at home. Wow! Very nice, very nice. Sarab? Fine. I have a cat. His name is Rish. His fur is white, his fur is white, and he likes fish, and he likes fish. He hunts and walks about my house. He's always out, he's always out, to catch a mouse, to catch a mouse. I play with him and keep him clean. A smarter cat, you have never seen. You have never seen. What is this life if full of cave? We have no time to stand and stare. No time to stand beneath the boards and stare as long as sheep or cows. No time to see the broad daylight stream full of starlight shines at night. No time to see the when woods we pass, where cooler high there are nuts in grass. No time to see the The beauty glance and watch her feet how they dance. No time to wait till her mouth can enrich her smile. Her eyes begin a poor life. This is if we're full of cave. We have no time to stand and stare. Wow! Very nice, mashallah. And aap koi recipe hai? Nahi, main ek sher suna deti hu Parveen Shakir ka. Is shart pe khelungi piya pyar ki bazi. Jeetun to tujhe paun, haarun to piya teri. Zabardast. Lahore News ki taraf se aap logon ke liye gift. Thank you. बहुत प्यारी फैमिली थी माशाल्लाह। बच्चे जो हैं वो मुझे बड़े अच्छे लगे, बड़े ही तमीज़दार तहजीब से बच्चे खड़े हुए थे और जैसे वो स्क्रीन को सामने बिल्कुल देख रहे थे। मुझे एक दफ़ा नहीं कहना पड़ा कि सीधे हो जाओ या कुछ। और उसके अलावा पोइम जो उन्होंने सुनाई वो तीनों बड़ी न्यू और यूनिक पोइम्स थी, विच आई लाइक द मोस्ट। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राबिया। आपका नाम? अना। आपका नाम? ज़ैनब। ये क्यों पहना हुआ सर पे? आज इसकी बर्थडे है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे। क्या उम्र है आपकी? 5 ईयर। वाओ, बड़ी हो गई हैं आप माशाल्लाह। हैप्पी बर्थडे बेटा। चले जी, ये आपकी बेटी है? नहीं, मेरी नीस है। ओके, आपकी बेटी है? जी, मेरी बेटी। शक्ल इनसे मिल रही है? चले, दोनों से ही मिल रही है। ओके, मैं आपसे सवाल करती हूँ, मुझे बताएं हमारी बॉडी में नाखून और बालों के अलावा वो कौन सा हिस्सा है जिसे काटो तो हमें तकलीफ नहीं होती? आप रेसिपी बताएंगे? जी जी। आप भी बताएंगे और आपने पोइम सुनानी है? चले, अपने बाद फिर माइक आगे आगे जी। मैं आपको सबसे पहले चिकन फ्राई की रेसिपी बताऊंगी। आप चिकन को पहले अच्छे तरीके से फ्राई, सबसे पहले चिकन को धो लें, उसके बाद ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई करें। फ्राई करने के बाद आप घी, उसके बाद आप चिकन को सेपरेट कर लें। उसके बाद आप प्याज, थूम, अदरक और सूखी मेथी लेके ना
और टमाटर का पेस्ट बना के उसे अच्छे तरीके से भून लें। उसके बाद जो आपने चिकन फ्राई किया है वो इसमें डालें, ऊपर हल्का सा गर्म मसाला डाल के उसे दम के ऊपर रख दें। आपका चिकन तैयार है। मैं नूडल्स और मैक्रोनी की रेसिपी बताऊंगी। उसमें नूडल्स और मैक्रोनीस को पहले फ्राई कर लें, मतलब पहले बॉयल कर लें दोनों को, और दूसरी तरफ उसका ना मसाला बना लें जिसमें आप थोड़ा सा अनियन, टमाटो और हरी मिर्च वगैरह इसको काट कर, और उसमें जो आपको गरम मसाला चाहिए वो जब आपका रेडी हो जाए, चिकन के पीसेस छोटे छोटे करके वो भी साथ फ्राई कर लें, और जब वो मुकम्मल रेडी हो जाए तो जो आपने बॉयल किया नूडल्स प्लस मैक्रोनी उसको उसमें इंक्लूड कर दें और भूनें, आपकी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो जाएगी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ते एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू ई डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। वेरी नाइस। ये लीजिए लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए के बहुत शुक्रिया जी। बहुत प्यारी फैमिली थी, मज़ा आया किसी और से बात करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? मिसेज नवाज। चलिए जी। बच्चे का नाम? मोहम्मद ईसा। ओके। वो कौन सा जानदार है जिसके बच्चे इंसान के अलावा अपने माँ बाप को देख कर हंसते हैं, खिलखिलाते हैं? इंसान को। इंसान के अलावा क्या सुनाएंगे? मैं जलेबियाँ बनाऊँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले क्या कहते हैं, चीनी लेनी है, चीनी लेनी है 2.5 किलो, और घी तकरीबन 1.5 किलो घी होना चाहिए इसके लिए। मैदा होना चाहिए 0.5 किलो। आप इसे चीनी लें और चीनी में पानी आप तकरीबन 1.5 लीटर उसके अंदर पानी डाल के उसका शीरा बनाएं। जब शीरा 1 लेयर हो जाए तो तैयार हो जाए तो उसको जलेबियाँ हैं, जलेबियाँ मैदा लेना है, मैदे में पानी और क्या कहते हैं रंग कार्ड, क्योंकि मुझे वो कलर वाली अच्छी नहीं लगती, इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो रंग कार्ड डालना है और उसमें अलमुनियम डालना है। अलमुनियम जो है वो 1 चम्मच आधा चम्मच डालना है और रंग कार्ड है वो 1 चम्मच पूरा डालना है। उसको सारा मिक्स करना है और मिक्स इस तरीके से करना है कि मैदे को गोल गोल से मतलब के करना है, गुलाई की तरफ से उसको फेंटने की सूरत में जो है वो करना है। उसको मैदे को इस तरह फेंट के तकरीबन 10 से 15 मिनट तक फेंटना है और उसको फिर एक तरफ रख देना है तकरीबन 1.5 घंटा तक। 1.5 घंटे के बाद कपड़े में ऑयल, एक कढ़ाई लें, कढ़ाई में तमाम ऑयल डालें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसके अंदर आपने कपड़ा लेना है और उसमें मैदे को डाल के उसको सर्कल की तरह गोल गोल आपने जो है वो जलेबियों की सूरत में बनाना है। और जब जलेबी का कलर ब्राउन होना शुरू हो जाए तो उसको वो चिमटे से बाहर निकाल के उसको शीरे में सिर्फ 1 सेकंड के लिए रखना है और फौरन ही निकाल देना है और गरम गरम जलेबी है तैयार है। जवाब भूख लगा दी आपने तो। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए बनाई है ना? अभी बनाई है, मेरे लिए लाई। मैं बनाती रहती हूँ। चलो नेक्स्ट टाइम लेके आइएगा। आप अपना एड्रेस दे, मैं आपको पहुँचा दूंगी। थैंक यू सो मच जी। वेलकम, आई लव जलेबी जी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेनी पड़ेगी आपसे इजाज़त। बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ आपके दो सवाल। वो औरत जिसके 69 बच्चे थे उसका ताल्लुक किस मुल्क से था? तो उसका ताल्लुक था जी रशिया से। जिस औरत के 69 बच्चे थे उसका ताल्लुक था रशिया से, ठीक हो गया। ओके, दूसरा सवाल कि इंसान के अलावा वो कौन सा जानदार है जिसके बच्चे अपने वालदेन को देख कर खिलखिलाते हैं? तो किसी के भी बच्चे अपने वालदेन को देख के नहीं हंसते क्योंकि उनके मुँह पे एक्सप्रेशन नज़र नहीं आते, सिर्फ इंसान के मुँह पे एक्सप्रेशन नज़र आते हैं। ओके, आजकल तो भाई टैलेंट ऑफ द डे स्पेसिफिक करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैं लीनियट रहना चाहती हूँ। मैं हर एक को टैलेंट ऑफ द डे, कभी कभी होता है दिन में 3 भी हो जाती हैं। मैं हर एक को नहीं कहना चाहती कि हर कोई बेस्ट है, सब अच्छे ज़रूर हैं, मगर एक ही होता है जो बंदा क्या ये लाजवाब है। तो वो ऐसा मुझे नहीं हुआ, पर मुझे वो बच्चे अच्छे लगे थे जो 3 बहन भाई थे। उन्होंने तीनों ने बड़ी यूनिक पोइम्स सुनाई थी, उनकी वोकैबुलरी वगैरह काफ़ी अच्छी थी, तो मेरे नज़दीक वो टैलेंट ऑफ द डे थे। तो अपना ख्याल रखें, फेवरेट प्रोग्राम भूजो जीतो थर्सडे टू संडे शाम को 7 बजे देखें। मुझे अपनी होस्ट अलीना हारून को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।